तो गाइज फाइनली कुनाली अच्छे से गाड़ी चलाना सीख गया। स्टार्टिंग में बहुत ठोक रहा था, बैग ही नहीं हो रही थी। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कल है मेरा बर्थडे 8 सितंबर को, और आज पता है घर पे कौन आ रहा है? कौन आ रहा है कुनाली? तो आज अम्मा आ रही है गांव से, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब बर्थडे से ज्यादा एक्साइटेड मुझे अम्मा के आने की। अम्मा फाइनली यहाँ आ रही है। मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट पे। वैसे मेरा बर्थडे का कोई प्लान नहीं है, बस फैमिली के साथ में अच्छे सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा बहुत। ओलू, और ये पता है कौन आ रहा है आज? पता है और कौन आ रहा है? और ये पता है कौन आ रहा है? इधर आ रही अम्मा, आ रही अम्मा। पता है कह रहा मुझे मत सिखा। गाइस ये देखिए, ये हमारे ये मेरे हाथ में क्यूब है, और ये देखो मैं इसे ऐसे कर देता हूं। अब मैं इसे आंख बंद करके सॉल्व करता हूं। देखो ए, अच्छा आंख बंद करके सॉल्व कर रहे हो? आंख बंद करके? अच्छा ओ भाई, आंख बंद करके कर दिया। कैसे करा कुनाली, मेरे को भी सिखा दो। मैं नहीं बताऊंगा, गाइस करा लो। ओ भाई कुनाली कहां से सीख रहे हो? मेरा जादू है, जादू। भाई बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं यार। मतलब खुद ही थोड़ा बहुत बिगाड़ के आंख बंद करके सॉल्व करके दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यार कर रहा है। इसकी एज के हिसाब से ये भी सही है, कितना भी सीख रहा है। अच्छा इसने याद कर रखा हो अपने हाथों में कि ऐसे ऐसे घुमाना है, बस वो याद रखो ऐसे ऐसे घुमाना है। ये गाड़ी कैसी चल रही है? ओहो सीख गए है ना, बैक करना सीख गया। ओहो देख रहा है, पीछे देख रहा है, लगनी नीचे। बस 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 यार सीख गया। तो गाइस फाइनली कुनाली अच्छे से गाड़ी चलाना सीख गया। स्टार्टिंग में बहुत ठोक रहा था, बैक ही नहीं हो रही थी। अभी तो चल गया, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो पीछे जाएगी, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जाएगी। जैसे रियल गाड़ी में होता है ना वैसे चला रहा है, मतलब कहीं भी टच नहीं कर रहा। मैंने देखा वहाँ पे, वहाँ पे ना फ्रिज भी टच किया इसने, ना कुर्सी भी टच किया। चलो बढ़िया बढ़िया। और ये पता है कौन आ रहा है आज? आज अम्मा आ रही है। ओरियो को अम्मा याद होगी, बिकॉज जब ये छोटा था ना तब अम्मा थी हमारे साथ में हरियाणा में ना, तो ओरियो को तो याद होगा अम्मा को। देखते हैं ओरियो का रिएक्शन, देखते हैं अम्मा को देखते कैसे रहता है। अभी इसको पता नहीं है ना अम्मा आने वाली है। तो चाची हम बना रही खाना, मस्त कड़ी चावल बने आज। बेटो प्लीज आ जाओ। ये देखो उसको बुला रहा हूँ, ओरियो आ रहा है स्कूल से आके। नहीं आपसे इतना इजी होमवर्क नहीं हो रहा, जब बड़े हो जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कैसे पढ़ोगे? एक मिनट भी लगा करने में? एक मिनट भी नहीं। लो हो गया। कितना टाइम लगा बताओ? दो मिनट भी नहीं लगे। मैं फिलहाल खाना खाता हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। देखो 2:30 बज गए। तो अभी फोन आया था कि अम्मा लेट आएगी, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और तुम्हें से कंट्रोल ले, बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। तो मेरा खाना तो आ गया, कड़ी चावल भिंडी। चलो मैंने चावल बोला, चलो नहीं बोला। भिंडी कितनी गंदी होती है, आप कैसे खा लेते हो भिंडी? तेरे को कौन सी सब्जी पसंद है मेरे को ये बता। तो गाइस कल मेरा बर्थडे है, तो कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। एक गाना आने वाला है जो कि मेरी लाइफ के ऊपर है, जो कि मैं सोच रहा हूँ उसकी वीडियो मैं खुद ही शूट करूँ। तो अभी जा रहे हैं, मम्मी पापा बाहर ही हैं, तो मम्मी पापा को पकड़ते हैं, कहीं शूट कर थोड़ा बहुत शूट करना है, और बाकी मैं अपने पुराने ब्लॉग्स को ऐड करूँगा उसमें, पुराने ब्लॉग्स के सीन को आप लोगों को भी ऐड करूँगा जो सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं ना। तो मैं जरूर उस गाने की वीडियो मैं खुद ही बनाऊँ, और बहुत तगड़ा गाना है जो कि आपने सुनी लिया होगा वैसे, इस ब्लॉग से तो शायद पहले आ जाएगा, फिर देखते हैं। थोड़ा बहुत मम्मी पापा का शूट करना है, जैसे पापा जी काम करते थे वगैरह, ये लाइन वगैरह ना, तो ये शूट करना है, ये बाहर ही हो पाएगा जहाँ पे कहीं पे काम चल रहा हो। और एक घर चाहिए जहाँ पे, क्योंकि हमारा पहले सिर्फ एक रूम था ना, हमारे उस घर में था सिर्फ एक रूम में रहते थे हम, सब कुछ एक ही रूम में था, तो ऐसा एक रूम चाहिए। और एक बस का सीन शूट करना है। मम्मी पापा के पास चलते हैं, मम्मी पापा मार्केट में ही है, अम्मा नहीं आई अभी, अम्मा अलग आ रही है। चल गाने की शूट पे जा रहा हूँ। वही लाइफ वाला गाना शूट कर रहा हूँ। पीयूष आ गया ट्यूशन से, चलो थार लेके चलते हैं। पीयूष भी बिल्कुल सही टाइम पे आ गया, मैं तो जा रहा था। सही टाइम पे आया तू, चलो भाई जल्दी, बहुत कम टाइम है, मतलब अभी 4 बज चुके हैं और हमने कुछ भी शूट नहीं किया अभी तक। तो गाइस म्यूजिक वीडियो के लिए एक रूम तो मिल गया, स्काई डेक पे ही मिल गया, ऊपर है, दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे हम पहले रहते थे उसी टाइप का, बिल्कुल सेम वैसा ही रूम मिला जैसे हम रहते थे। उसको देख के ना बचपन की याद आ गई, जब हम छोटे थे हम एक ही रूम में रहते थे ना, मैं दिखाता हूँ कैसा रूम है, सेम वैसा ही है। तो ये रूम है, दिखाता हूँ अंदर से, इधर से पर्दा लगाते थे हम पर्दा, तो कुछ ऐसा रूम था, देखो सिर्फ इतना सा रूम था, इसी में सब कुछ था, जैसे यहाँ पे है देखो, यहाँ पे फैन तो है लेकिन हमारे पास फैन भी नहीं था। इसी तरह छोटे से रूम में हम पूरी फैमिली रहते थे, इसी में सब कुछ था, मंदिर किचन सब कुछ इसी के अंदर था। तो पीयूष बिना खाए भी आया, तो पता क्या खाएगा? हक्का नूडल्स। नूडल्स पीयूष के लिए, नूडल्स ऑर्डर करते हैं, बिकॉज़ ये बिना खाए भी आ गया, सीधा ट्यूशन से यहीं पे आ गया। तो गाइस फाइनली हक्का नूडल्स आ चुके हैं। भाई नहीं खा पाएगा, मैं बता सकता हूं। तो दिखे आप भी नहीं खा पाओगे। मिलके खाएंगे, मिलके। चलो थोड़ी सी मैं भी खा लेता हूं। अम्मा आ चुकी है, जल्दी चलो। वेलकम अम्मा। अम्मा स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए आई है। देखो अकेले कैसे आ गया बस में? क्यों? बस में क्या दर्द थोड़ी लगती है? दादाजी को भी ले आते, दादाजी को छोड़ा है। दादाजी नहीं आ सकते हैं ना, क्यों? उनकी तबीयत खराब हो जाती है। दिस माय मॉम।
दिस माय मॉम। तो अब जा रहे हैं फाइनली शूट के लिए और ये पंखा भी यूज होगा बिकॉज ना बचपन में मम्मी यही पंखा यूज करती थी। हमारे पास ना पंखा नहीं होता था ना, तो मम्मी ऐसे ही रात भर ऐसी पंखा करती थी हमको इससे, तो वही गाने में हम इस पंखे को यूज करेंगे। पहली बार कोई म्यूजिक वीडियो खुद शूट कर रहा हूँ मैं। पंखे को ऐसे से करते रहना पापा जी को और आपको, और बस दोनों बातें करते रहना। बाल थोड़े खराब कर रहे हैं यार, अच्छे बाल की होने चाहिए, अच्छे बाल नहीं होने चाहिए। कैमरे में मत देखना, बातें करना, नॉर्मली बातें करना। कैमरा है ही नहीं, ऐसे रिएक्ट करना। हंसो मत, आपके मुंह पे हंसी नहीं आनी चाहिए। कैमरा लुक मत देना, आपके मुंह पे हंसी नहीं आनी चाहिए। मम्मी हंसते हंसते बात कर रही है। तो गाइस फाइनली यहाँ का शूट तो कंप्लीट हो चुका है पुराने घर वाला। तो अब हम जा रहे हैं सेकंड लोकेशन पे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड, बिकॉज बस वाला सीन शूट करना है तो बस स्टैंड के अंदर शूट करना पड़ेगा हमको। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन करना तो है। अब चलो चलते हैं बस स्टैंड। हाँ बस चढ़ जाओ, चढ़ने का चढ़ के वापस आ जाना, उधर जाओ। तो गाइस बस स्टैंड वाले भी शूट करके आ गए हम, तो चलो अब चलते हैं। अब एक दो सीन और करने घर पे करने, फिर हो जाएगा, फिर मुझे एडिट करना, मेन तो एडिटिंग है भाई। तो गाइस फाइनल शूट करके हम आ चुके हैं स्काई डेक, अब चलते हैं घर मम्मी और अम्मा को लेके, और वहाँ जाके मेन तो काम है एडिटिंग करने का। आज मुझे लगेंगे 8-10 घंटे एडिटिंग में, बिकॉज सारे ब्लॉग निकालने, डाउनलोड करने हैं, उनको एडिट करने हैं सॉन्ग के हिसाब से, तो हाँ बहुत टाइम लगने वाला है। अम्मा और पीयूष की हाइट बिल्कुल सेम है। अगर मैं ऐसे हो जाऊं। कुनाली अम्मा नहीं आई, आ गए, सरप्राइज सरप्राइज, अम्मा आ गई। पहचान लिया पहचान लिया। ओरियो का एक्साइटमेंट लेवल इतना खतरनाक है ना भाई। अरे हाँ सरप्राइज 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 सरप्राइज। सो गाइस फाइनली अम्मा को सरप्राइज कर दिया हमने कहा। तो भी गाइस रात के 8:30 बज चुके हैं और फिलहाल मैं बैठा पड़ा हूँ, मतलब वीडियो सारे डाउनलोड कर रहा हूँ मैं जो भी मैं अपने गाने में यूज कर सकता हूँ। तो अभी डिनर करने चलते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। रात के बज जाएंगे 2-3-4 भी बज सकते हैं सुबह, लेकिन गाना रेडी कर दूंगा। फिलहाल डिनर करने चलते हैं। क्या बना अम्मी जी? तो खाने में है पेठा, दाल, रोटी और अचार। तो भी गाइस रात के 11 बज गए हैं, मेरा बर्थडे आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और मैं अभी तक यहीं पे वही गाने डाउनलोड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। अभी भी इसमें 3-4 घंटे और लगेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो होने वाला है 12 बजे, क्योंकि मुझे साहिल नहीं दिखा भाई, पूरे दिन को साहिल दिखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया, कुछ सरप्राइज है, कुछ तो कुछ प्लान चल रहा है मुझे लग रहा है। तो देखते हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में चलेगा बता, अगर ऐसा कुछ है भी तो। बाकी मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ बर्थडे के लिए, मैं नॉर्मली मैं तो गाने के लिए एक्साइटेड हूँ, ये गाना जल्दी से रेडी हो जाए और आप लोग सुनो इसको, बिकॉज ये गाना ना इतना फेवरेट है मेरा, मतलब पूरी लाइफ पे है मेरा, तो मैं इसको अच्छे से जीन जवान से पूरी मेहनत से बना रहा हूँ, पूरी मेहनत से एक एक क्लिप को डाउनलोड करके मैं बना रहा हूँ, तो ज़रूर सुनना। वैसे इस ब्लॉग से पहले आ जाएगा, आपने सुन ही लिया होगा तो हाँ, बाकी कमेंट करके बताना। तो फिलहाल देख लो बहुत मेहनत लग रही है, मैं अराउंड 6-7 घंटे से बैठा हुआ हूँ, कंटिन्यूसली 6-7 घंटे से बैठा हुआ हूँ, और अभी 4-5 घंटे और लगेंगे, क्योंकि मैं सारी क्लिप्स डाउनलोड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो अच्छी तरह से बना रहा हूँ। बाय द वे देखना, और बाय द वे देखते हैं अभी 12 बजे क्या होता है। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। ओ भाई इज बेस्ट भाई, सब क्या लोगे इसके अलावा? नहीं यार इतने गरीब भी नहीं थे हम। ऐसी कपड़े डालते ये ना सरदार उल्टी टी शर्ट पहन के।